हेलो फ्रेंड्स, एसएससी क्लास वाई संजय सर में आपका स्वागत है। तो आज पहला क्वेश्चन देखिए। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देर हो जाती है, और यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मैं 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। मेरे घर से कॉलेज की दूरी क्या है? तो दूरी निकालना है, तो दूरी इज इक्वल टू होता है चाल गुणे समय। तो औसत चाल, यहाँ पर दो चाल दी हुई हैं क्वेश्चन में, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहले 5 किलोमीटर की चाल से चलता है, फिर इसके बाद 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो इस केस में औसत चाल हम निकाल लेंगे। तो इसकी ट्रिक है S1 × S2 / S1 − S2 × समय। तो S1 पहली चाल है, S2 दूसरी चाल है, तो 5 और 6, और S1 × S2 / S1 − S2 ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद समय 7 मिनट पहले देर से पहुंचता था, फिर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो टोटल समय कितना खर्च हुआ, जो 7 मिनट देर से पहुंचने पर और 5 मिनट पहले पहुंचने पर जो बीच का अंतर है। जैसे मान लीजिए कि 7 मिनट यहाँ देर से पहुँच देर हो जाती है उसको, तो 7 मिनट जो मेन मुख्य समय है, इसमें 7 मिनट उसको देर हो गई, फिर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 5 मिनट यहाँ पहले पहुंच गया। तो अब कुल कितना अंतर होगा यहाँ, 12 मिनट का। समझ गए होंगे आप लोग। तो समय 12 मिनट हो गया। मिनट को आप घंटे में चेंज कर लीजिए, तो 12/60 ये घंटे में चेंज हो गया, क्योंकि S1 की जो वैल्यू है, S2 की वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसलिए मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर 6 किलोमीटर दूरी आंसर आ गया। तो दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था।